आज का पहला दिन अदीस अबाबा का। आज सुबह 1 बजे रात में मैं यहाँ पहुँचा और फ्लाइट मेरी पहुँची। तो एयरपोर्ट तो काफ़ी छोटा सा था और उस वक्त सिर्फ हमारी फ़्लाइट इस्तांबुल वाली आई थी। तो प्लेन जो था उसमें तकरीबन 100 लोग के करीब होंगे, उसमें सारी सीट भरी नहीं थी तो 100 से कम ही होंगे। और मैं तो आगे ही बैठा था तो जल्दी निकल आया, लेकिन मैं जो पहुंचा जहाँ पे लिखा हुआ था वीज़ा ऑन अराइवल, वहाँ पे एक साहब खड़े थे और सबका पासपोर्ट चेक कर रहे थे उससे पहले ही। और अगर कोई जा रहा था वो आगे वीज़ा लेने के लिए तो उसको कह रहे थे यहीं इधर लाइन में लग जाओ, फिर वो उसका पासपोर्ट सारे वारा को उलट पलट कर देख के उसके बाद कह रहे ठीक है जाओ। तो फिर खैर लाइन में लगे और तकरीबन 10 मिनट के अंदर वो सारा काम हो गया। पूछा कितने दिन रहेंगे आप, और वीज़ा ने लगा दिया। फिर आपने पैसे दिए $50 30 दिन के वीज़ा के लिए और फिर बाहर निकले। तो मैंने तो चिकन नहीं था, मेरा एक छोटा बैग था और एक बैकपैक, तो मैं तो बाहर निकल वाला था। लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ कैश कराया, मैंने $US और ये गठियाँ उन्होंने दी, तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया। पहले मैंने उसको वॉलेट में रखने की कोशिश की लेकिन फिर वॉलेट बंद नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसको जल्द उसमें बैग में ड्रॉप किया ये सारी रकम। फिर वहाँ पे जो है चूँकि रात के 1:30-1:30 बज रहे थे तो वो नहीं था फ़ोन वाला, मोबाइल फ़ोन वाला बंद था तो मोबाइल फ़ोन नहीं ले नहीं पाया मैं सिम कार्ड। तो फिर बाहर निकला, मैंने अपने होटल को कह दिया था कि मुझे पिक कर ले, तो वो सामने ही बंदा खड़ा था तो उसने फिर मुझे पिक किया। तो हल्की सी ठंड हो रही थी उस वक्त, तो खैर मैंने जैकेट यही वाला कल के पहन लिया और फिर आ गए। उसके बाद फिर मैं सोया सुबह, मैं जल्दी एक्चुअली उठ गया, 6 बजे से पहले उठ गया था। तो फिर नाश्ता करके फिर थोड़ी देर सोया, उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहला काम ये किया जाए कि सिम कार्ड ले लिया जाए। तो मैंने होटल में पूछा मेरी सिम कार्ड कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा बस यही करीब में ही है इथियोपियन टेलीकॉम। तो मुझे लगा कोई मोबाइल शॉप होगी कुछ होगा, तो एक मोबाइल शॉप नहीं थी। फिर खैर पूछते पाछते मैं उनके इथियोपिया टेलीकॉम के हेडक्वार्टर पहुँच गया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और जाओ। फिर एनी वे बहुत मुश्किल से फिर मुझे मिला जहाँ पर वो जो है सिम कार्ड देते हैं। तो मैं एक उसमें भी लोग लाइन में लगे थे, तो उसमें ये है कि आपको नंबर लेना है, तो मैंने नंबर लेके मैं बैठ गया और फॉर्म भी रखा था रिसेप्शन में, कोई था नहीं लेकिन फॉर्म था, तो खैर मैंने फॉर्म भर दिया और कहा कि चलो भाई जब नंबर आएगा तो सारा यू नो जल्दी हो जाएगा। तो नंबर जब आया मैं फॉर्म लेकर पहुँचा तो जनाब ने कहा कि आपको पर्सनल चाहिए कंपनी का चाहिए, मैंने कहा पर्सनल उसकी चाहिए, कहा कि नहीं ये ऑफिस नहीं है इसके बगल वाली है 2 दरवाजे छोड़ के। तो खैर वहाँ पहुँचा, खैर वहाँ पे उन्होंने सारा कर दिया और 30 बिर जो कि तकरीबन $1 के करीब हुआ उसका एक सिम दे दिया। तो मैंने उसमें कुछ और मज़ीद पैसे दे के उसका और टॉप अप करा दिया। लेकिन इन दौरान मैं निकला था 8 बजे और तकरीबन मेरे ख्याल से 11 बज गए होंगे ये सब करते करते, और काफ़ी दूर में निकल आया था एक्चुअली उसको पैदल चल के। तो पैदल चलने से शहर भी देखने में मज़ा आता है, तो काफ़ी लोग चल रहे थे पैदल और मेरी तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो लोग तो नहीं दे रहे थे, थोड़े बहुत देख रहे थे लेकिन कुछ ज़्यादा वो नहीं। हाँ उससे पहले मैं एक कॉफ़ी की मशहूर दुकान है टोमैको कॉफ़ी, तो वहाँ पर मैंने इथियोपियन कॉफ़ी भी पी जो कि काफ़ी तलख होती है, बिटर होती है। तो खैर वो फिर उसके बाद वो लिया और फिर मेरा जूता भी जो है जो कि मेरे सफ़र में काफ़ी सफ़र में साथ रहा है वो भी फट रहा है। और यहाँ पे मुझे एक दुकान का पता चला, इसका नाम है सोल रेबल जो कि जूते की दुकान है जो इथियोपिया में ही बनाते हैं, काफ़ी अच्छा कपड़े का होता है, नीचे सोल जो है रबर या किसी उसका बनाते हैं, तो ऑल मेड इन इथियोपिया बाई फीमेल एंटरप्रेन्योर। तो वहाँ गया तो वहाँ पे मैंने ख़रीदा, वो भी काफ़ी ढूंढना पड़ा उसे भी
क्योंकि एड्रेस क्लियर नहीं था उसका गूगल मैप पे। खैर पता चल गया मुझे, और 2000 बिर जो कि तकरीबन $70 का हो गया जूता, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है, तो वो लिया। उसके बाद मैं तकरीबन ये 12:30 बज रहा होगा, तो फिर मैंने सोचा कि चूँकि बैग भी था, मैंने कहा चलो चल के ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, फिर म्यूज़ियम वगैरह की सैर करेंगे। लेकिन फिर मैं जो हूँ टैक्सी वालों को दिया, उसको किसी को इस होटल का पता नहीं है, और जो मैं गूगल मैप उसको सड़क का नाम बता रहा हूँ कह रहा है ये सब पुराने नाम है, नया नाम कुछ और है। तो गूगल मैप्स यू नो प्लीज़ अपडेट नेम द स्ट्रीट्स। तो खैर फिर मेरा देख ही रहा था, तो काफ़ी साउथ में आ गया था मैं जहाँ से होटल से, तो मैंने देखा कि यूनिटी पार्क है जो कि वहाँ पे इंपीरियल पैलेस अभी एक महीने पहले ही खुला है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम इसको जानते हो, तो पता नहीं कुछ कह रहा था नहीं कह रहा था, तो मैंने कहा यही छोड़ दो मुझे। तो खैर फिर वहाँ पे नेविगेट करके किस तरह पहुँच गए, और क्योंकि मुझे शौक था कि वो देखूँ इंपीरियल पैलेस कैसा है, तो काफ़ी अच्छा रहा वो। उसके रिव्यू मैंने एक अलग वीडियो वहीं पे ऑन साइट किया है, काफ़ी अच्छा था वो। काफ़ी चीज़ें तो ज़्यादा नहीं हैं, आई मीन कलोनियलिज्म नहीं हुआ है इथियोपिया में, तो चीज़ें लुटी नहीं हैं, लेकिन ये है कि ये म्यूज़ियम अब ये जो जगह है इंपीरियल पैलेस एक महीने पहले खुला है, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ की दूसरे म्यूज़ियम्स में इथियोपिया में ट्रांसफ़र्ड हैं, तो अब वो लाएँगे, इनको वापस लाना होगा। ये सब जो टूर गाइड बता रही थी कि ये ज़रा मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन कुछ थे ड्रेसेस थे, कुछ खाने पीने की जो प्लेट्स बर्तन वगैरह थे, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी यू नो जो बिल्डिंग्स हैं जो आर्ट वर्क है उसको देख के अंदाज़ा होता है कि ये सिविलाइजेशन कितनी इम्पोर्टेंट रही है, कितना वेल्थ था उसमें, कितने कारीगर थे, कितने आर्टिस्टिक टैलेंट मौजूद था, सो दैट गिव्स यू एन आइडिया। और काफ़ी उसमें इंडियन टच भी काफ़ी बिल्डिंग्स के कारीगरी में देखने को मिला, जिससे कि अंदाज़ा होता है कि इंडिया से और इथियोपिया से एक लंबे अरसे का ट्रेडिशन रहा है कनेक्शन का थ्रू ट्रेड्स एंड और बल्कि एक पेंटिंग जो थी एम्परर मेनेलिक की, उसमें पेंटर का नाम कुछ शिव नारायण या कुछ लिखा था, तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग थी वो। उसके अलावा कारीगरी जो है लकड़ी के दरवाजे की या पेंटिंग दीवारों पर नक्काशी जो की गई है उसमें भी काफ़ी आपको झुनक मिलेगी, जो कि हिंदुस्तान में देखा जा सकता है कई जगहों पे। तो अब कहाँ से क्या असर रहा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह थी, और वो जो है काफ़ी उसको इस पार्क को जो कि सीट ऑफ गवर्नमेंट रहा करता था अनटिल वेरी रिसेंटली, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं अभी आए मैं, तो उन्होंने उनको उसको बनाया है बिल्कुल उसको एक प्लेस ऑफ यूनिटी बनाने की कोशिश की, क्योंकि इथियोपिया में कई सारे डिफरेंट ट्राइबल और एथनिक ग्रुप्स हैं जिनकी काफ़ी अपनी पुरानी हिस्ट्री कल्चरल ट्रेडिशंस रहा है, तो उसको एग्जिबिट किया है, उसको शोकेस किया है, सबको बराबर की जगह दी गई है उसमें। तो अगर आप सिर्फ इथियोपिया आएँ तो कम से कम या सिर्फ अदीस अबाबा या यू नो इथियोपिया में हर जगह मुमकिन नहीं है क्योंकि इतना लंबा वक्त नहीं है किसी के पास, तो वहाँ पे जाकर थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि कितनी डाइवर्सिटी है। और इसके अलावा कुछ एग्जिबिट है कोई नशीबा के बारे में है, रूलर्स के बारे में है, फिर वही पैलेस में नीचे एक ज़माने में जो कि जबकि सोशलिस्ट यू नो कम्युनिस्ट पावर में आ गए थे तो उन्होंने प्रिजन बनाया था, तो उसमें भी उन्होंने प्रिजन को कन्वर्ट कर दिया म्यूज़ियम में, एंड दे टॉकिंग अबाउट एंड द वे दे डिड इट वेरी नाइसली, क्योंकि इस तरफ की हिस्ट्री और जो लोग सफ़र हुए हैं उनकी भी सारी चीज़ों को अच्छी तरह जक्सटापोज किया है विदाउट टेकिंग you know any position and laying all the facts and personal experiences there so very well done, kafi mature tareeqe se kiya gaya hai to mujhe bahut acha laga aur ab jo hai din mein kafi thandak ho gayi thi aur dhool dhakkad bhi hai 3 million ka shehar hai aur 3 million ke shehar ke hisab se itne zyada log aapko lagte nahi hai halanki kafi lage traffic jam rehta hai lekin you know
कुछ अपनापन सा मुझे लगा, जैसे कि यू नो जैसे झारखंड रांची वगैरह में यू नो कई अर्से पहले जब मैं गया था, उस तरह का कुछ मुझे फील हुआ कि यू नो ऐसे इस तरह के लोग हैं, वही सड़क पे लोग कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटे फ्रूट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, सड़क के किनारे पे कुछ कॉफ़ी बना रही हैं कुछ औरतें, कुछ लोग भीख भी मांग रहे हैं, और गाड़ियाँ चल रही हैं इधर से उधर, उधर से इधर, और अब जो है और मस्जिदों से अजान की आवाज़ आ रही है, और चर्चेज़ में भी इस तरह से वहाँ पे दुआ या इबादत हो रही है, जैसे कि ऐसा लगता है कि कुछ अरबिक में बोल रहे हैं, यू नो अमेरिक इज़ वेरी क्लोज साउंडिंग, तो और इस तरह से बोल रहे थे, ऐसा लगता है पीछे भी आवाज़ अगर आप सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अजान कोई दे रहा है या कुछ जिक्र कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये चर्च से आवाज़ आ रही है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, और सब मिले जुले हैं यहाँ पे, और अब जो रात है तो थोड़ी सी ठंड भी हो चली है, दिन में काफ़ी गर्म हो गया था, जैसे धूप निकली, यहाँ की धूप जो है चूँकि इक्वेटर के करीब है, ये बिल्कुल सख्त धूप है, लेकिन जैसे ही आप शेड में आ जाएँ बिल्कुल बिल्कुल ठंड, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का दिन रहा, और कल मैं जाऊंगा लाली बेला, तो वहाँ से कुछ वीडियोस।